नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज पारित हुआ सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव, देश के सर्वांगीण विकास के लिए पीएम का जताया गया आभार। बैठक में G20 पर भी लाया जाएगा प्रस्ताव, आज पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। पाकिस्तान के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया वैश्विक आतंकवादी। हाफिज सईद के रिश्तेदार मक्की पर भारत में आतंकी हमलों की योजना बनाने, अवैध फंडिंग और युवाओं को उकसाने के आरोप। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का दूसरा दिन, चार अलग अलग सत्र में बुनियादी ढांचे में निवेश के तमाम पहलुओं पर बातचीत। भोपाल में थिंक 20 की बैठक में दुनिया भर के विशेषज्ञ शामिल, कल से तिरुवनंतपुरम में होगी स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक। आज से 23 जनवरी तक देश भर में आइकॉनिक इवेंट सप्ताह, आजादी के 75 साल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर गृह मंत्रालय की ओर से होंगे कई कार्यक्रम। पोर्ट ब्लेयर में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगा समापन। भुवनेश्वर में आज हॉकी वर्ल्ड कप में होंगे दो अहम मुकाबले, पूल बी में जर्मनी बेल्जियम और जापान कोरिया के बीच होगी भिड़ंत। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज जोकोविच खेलेंगे पहले दौर का मैच, नडाल मेदवेदेव और सित्सिपास सहित कई दिग्गज खिलाड़ियों ने बनाई अगले दौर में जगह। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल हैं। आज की बैठक का केंद्र प्रधानमंत्री का भाषण है, जब वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। लेकिन उससे पहले आज देवेंद्र फडणवीस ने सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें देश भर में हो रहे सर्वांगीण विकास के लिए पीएम का आभार जताया गया। अब पीएम के संबोधन के साथ बैठक का समापन हो जाएगा और पार्टी एक नए जोश और उत्साह के साथ काम में जुट जाएगी। तो आज देखना होगा कि बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कैडर को क्या मैसेज देते हैं। और भाजपा कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन आज आर्थिक नीतियों से सामाजिक प्रभाव पर प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत 2014 में 10वें स्थान पर था, लेकिन आज यूके को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एक समावेशी, सर्वस्पर्शी, आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए जो 2014 में पहला ही वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार सबका साथ सबका विकास की दायित्व लेगा, एंटाइटलमेंट से एम्पावरमेंट की एक सफल प्रवास, मोदी जी की कुशल नीति हमारी मुक्ति से 75 साल पूरा कर रहे, उस समय में हमने यूके को पीछे छोड़कर 5th पोजीशन पे आए। यह अपने आर्थिक नीति की एक बहुत बड़ी सफलता की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत एक शक्ति के रूप में उभरा है, जिसमें आज हम G20 की भी सफलतापूर्वक अध्यक्षता कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पहले जो नीतियां बनाई जाती थीं, वो चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती थीं, लेकिन आज पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम किया जा रहा है। इसी मार्ग पर चलते हुए भारत दुनिया को भी एक नई दिशा दे रहा है। वैश्विक नेतृत्व भारत
ले रहा है। आज एक अलग से प्रस्ताव पारित हो रहा है अर्थनीतिक सामाजिक सशक्तिकरण के, इस प्रस्ताव ने G20 की सफल प्रेसिडेंसी के लिए जिसकी काम अभी शुरू हुआ है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को सराहना किया है, उनको प्रशंसा किया है। भारत एक समय में एक कुंठित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। आज भारत में कोई नीति बनती थी तो चंद लोगों के लिए नीति बनती थी, उसके लिए मारामारी, उसके लिए व्यग्रता, उसके लिए सारे बाकी चीज होता था। आज प्रधानमंत्री की इस नीतियों के कारण आज एक सैचुरेशन की अर्थव्यवस्था सबके लिए करना होगा, स्कीम चंद लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए। और बीजेपी की कार्यकारिणी पर और बात करते हैं अपने साथी संवाददाता शैलेंद्र सिंह के साथ। शैलेंद्र, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कल का दिन समाप्त, आज भी जिस तरह से सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पेश किया गया है, उसके बाद अब सबको इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का है। इसमें G20 से लेकर 9 राज्यों के चुनाव है अगले साल, लोकसभा चुनाव की रणनीति है, साथ ही साथ कई ऐसे संगठनात्मक बड़े फैसले भी हैं जिन पर लोगों की नजर है, जिसमें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के टर्म का एक्सटेंशन भी है। किन किन चीजों पर एक तरह से आज तस्वीर भी साफ हो जाएगी और किन बातों का इंतजार प्रधानमंत्री के संबोधन में, कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को है? ऋतु वर्मा, हम जानते हैं कि समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है, उससे पहले अध्यक्षीय टिप्पणी होगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 4 बजे के आसपास, और उससे पहले जो सत्र होना है उसमें जो चुनाव वाले राज्य हैं 5 राज्य, उन पर क्या तैयारी है, क्या फीडबैक है, उस पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। हम जानते हैं कि कल कर्नाटक, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा को लेकर प्रेजेंटेशन हुआ था, आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान जैसे राज्यों को लेकर प्रेजेंटेशन होगा, उस पर दोपहर में चर्चा होगी कैसे इन राज्यों में चुनावी जीत हासिल करनी है। क्योंकि कल ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने उद्बोधन में कहा था कि सभी राज्यों में, सभी 9 राज्यों में जहां पर 2023 में चुनाव होने हैं, वहां जीत हासिल करने के लिए काम करना है। आज सुबह सबसे पहले आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव पेश किया गया, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उस प्रस्ताव के बारे में क्या क्या जिक्र किया गया विस्तार से बताया। G20 को लेकर, सफल नेतृत्व को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की गई है उस प्रस्ताव में, और G20 पर एक अलग से चर्चा प्रस्ताव के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ये बता रहे हैं कि किस तरह से G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और कैसे दुनिया भर में भारत की जो साख है वो बढ़ी है, उसको लेकर एक अलग से प्रस्ताव और चर्चा वो हो रही है, ठीक आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव पेश करने के बाद। उसके बाद संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। जो आपने जिक्र किया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल के विस्तार से जुड़ा जो ऐलान है, हम जानते हैं कि ये तय हो चुका है और कार्य समिति में इसको लेकर एक सहमति ली जानी है, इसमें कार्य समिति के सदस्यों से एक तरह से सहमति ली जाएगी कि संसदीय बोर्ड ने एक फैसला किया है कि चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्ष के कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 3 साल पर कार्यकाल पूरा होता है और ये 20 जनवरी को खत्म हो रहा है, तो ऐसे में अब जब 23 में 9 राज्यों में चुनाव है और साथ ही साथ 24 के चुनाव बहुत दूर नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी में एक सहमति बनी है कि जो मौजूदा अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा, उनके कार्यकाल को लोकसभा चुनाव तक बढ़ा दिया जाए। तो निश्चित तौर पर जो आज उम्मीद यही है कि समापन से पहले इस बात की सहमति ली जाएगी और इस बात के को बताया जाएगा कि कार्य समिति ने मंजूरी दे दी है। तो निश्चित तौर पर अब सभी की निगाह इस बात पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश देंगे अपने समापन सत्र के में अपने संबोधन से, क्योंकि चुनावी राज्यों को लेकर संकेत जाना है और देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है समावेशी विकास में और संगठन की क्या भूमिका रहने वाली है आगे। जी शैलेंद्र, आपने बात की संगठन की भूमिका की आपने बात की है, तो अगर इसकी इस संगठनात्मक मजबूती की अगर हम बात करें तो हम आमतौर पर देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी राज्यों में या फिर कोई बड़ा दौरा किसी और राज्य में होता है तो एक तरह का रोड शो होता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत से पहले, शामिल होने से पहले दिल्ली में जो रोड शो किया गया
उसको उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, तो क्या संगठन को मजबूत करना, दिल्ली में जो कार्यकर्ता है उनमें एक नई जान फूंकना, क्योंकि एमसीडी के जो नतीजे आए हैं और दिल्ली में सत्ता से बाहर एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी है, संगठन को किस तरह से मजबूत करने के वो तमाम संकेत रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में, जिसका एक्सटेंशन आज समापन संबोधन में भी दिखाई देगा? देखिए, बीजेपी के लिए हर राज्य महत्वपूर्ण है, ये एक संकेत है। और दूसरी बात यह है कि हमने देखा कि जब तमिलनाडु गए थे प्रधानमंत्री, वहां पर भी रोड शो देखने को मिला था। दरअसल राज्य की यूनिट की तरफ से कई बार अनुरोध आता है कि बहुत सारे कार्यकर्ता अभिनंदन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहते हैं, जिन्हें मौका नहीं मिलता आमतौर पर बड़े कार्यक्रमों में, तो वहां पर रोड शो की परिकल्पना की जाती है। और चूंकि दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, ये गुजरात के प्रचंड जीत के बाद पहली बैठक है, तो ऐसे में एक बड़ा अभिनंदन समारोह रखा जाए, कार्यकर्ताओं की तरफ से यह अनुरोध किया गया था, और उसे लेकर हमने दिल्ली में देखा कि एक रोड शो का आयोजन किया गया। और कल वो तस्वीरें आई जब दोनों तरफ से पुष्प वर्षा हो रही थी, पटेल चौक से संसद मार्ग तक बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग वहां पर मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर इन वजहों से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि लगातार वो ज्यादा से ज्यादा जनता से मुखातिब हो, कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो, और जितना संभव हो सके वो एक तरह से सीधे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ऐसे में उसकी भी एक झलक दिखाई देती है इस तरह के रोड शो के तस्वीरों में। तो निश्चित तौर पर ये दो प्रमुख वजह है कि गुजरात की जो ऐतिहासिक जीत है उसके बाद ये पहली कार्यकारिणी की बैठक है, और दूसरी बात है कि राज्य दर राज्य बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करना चाहती है, और जो प्रदेश की यूनिट है उनकी तरफ से भी कई बार यह अनुरोध होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाए, उनका अभिनंदन किया जाए आम कार्यकर्ताओं के द्वारा, तब इस तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए बात ताजा खबर की। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सेना और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में दो आतंकियों को मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट कॉम्प्लेक्स में के पास सेना और पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया था, जिसके बाद इस वाहन में सवार आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सेना और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ये दोनों आतंकी मारे गए। इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। एडीजीपी कश्मीर ने बताया है कि ये दोनों हाल ही में हुई मुठभेड़ में भागने में कामयाब हो गए थे। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा के बताए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया है। यह फैसला यूएनएससी की आईएसआईएल और अलकायदा प्रतिबंध समिति ने लिया है। पिछले साल भारत की ओर से लश्कर के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन चीन ने इसे रोक दिया था। इसके बाद भारत ने चीन पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। अब्दुल रहमान मक्की जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद का रिश्तेदार है, जिसे भारत में 26 नवंबर 2011 को हुए चरमपंथी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। यूएन की ओर से जारी बयान के अनुसार कल 16 जनवरी को सुरक्षा परिषद की समिति ने वैश्विक आतंकवादियों की सूची में अब्दुल रहमान मक्की का नाम शामिल किया है। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में मक्की की संपत्ति को फ्रीज किया जा सकेगा और मक्की पर यात्रा सहित कई अन्य प्रतिबंध होंगे। वैसे भारत और अमेरिका पहले ही अपने अपने देश में अब्दुल रहमान मक्की को आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। मक्की पर युवाओं को कट्टरता की ओर उकसाने का आरोप है। इसके अलावा मक्की पर भारत में हमलों की योजना बनाने और अवैध फंड जुटाने सहित कई आरोप हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है और इसमें 1267 समिति का प्रयोग किया गया है, जिसमें यूएनएससी 1267 समिति चर्चा का विषय बनी हुई है। आज की न्यूज लेंस में हम जानेंगे कि क्या है यूएनएससी 1267 समिति और कैसे काम करती है। देखिए इस रिपोर्ट।
इसको पहली बार वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। इसे अब इस्लामिक स्टेट समूह और अलकायदा प्रतिबंध समिति के रूप में जाना जाता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी और गैर स्थायी सदस्य शामिल हैं। आतंकवादियों की 1267 सूची एक वैश्विक सूची है। यह सूची पाकिस्तानी नागरिकों और निवासियों से भरी हुई है। यह आतंकवादियों की आवाजाही विशेष रूप से यात्रा प्रतिबंधों से संबंधित, संपत्ति की जब्ती और आतंकवाद के लिए हथियारों पर प्रतिबंध को सीमित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों पर चर्चा करता है। भारत ने पिछले दशक में वर्ष 2009, 2016 और 2017 में कम से कम 3 प्रयास किए थे ताकि जैश प्रमुख को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया जाए। पाकिस्तान के इशारे पर चीन ने सभी कोशिशों को रोक दिया था। कोई भी सदस्य देश किसी व्यक्ति, समूह या संस्था को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्ताव में उन कृतियों या गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए जो यह दर्शाते हैं कि प्रस्ताव व्यक्ति, समूह, इकाई ने जैश मोहम्मद, अलकायदा या किसी भी सेल से संबंध, समूह या उसके व्युत्पन्न से जुड़े कार्यों या गतिविधियों के वित्त पोषण, योजना, सुविधा, तैयारी या संचालन में भाग लिया हो। सूचीबद्ध करने तथा सूची से बाहर रखने पर निर्णय सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं। प्रस्ताव सभी सदस्यों को भेजा जाता है और यदि कोई सदस्य 5 कार्य दिवसों के भीतर आपत्ति नहीं करता है तो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। समिति का कोई भी सदस्य प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा सकता है और प्रस्तावक सदस्य देश से अधिक जानकारी मांग सकता है। इस दौरान अन्य सदस्य भी अपना सुझाव दे सकते हैं। मामला समिति की लंबित सूची में तब तक बना रहता है जब तक कि सदस्य देश ने अपने निर्णय को आपत्ति में बदलने का फैसला नहीं किया है। लंबित मुद्दों को 6 महीने में हल किया जाना चाहिए, लेकिन जिस सदस्य राज्य ने रोक लगाई है वह अतिरिक्त 3 महीने मांग सकता है। इस अवधि के अंत में यदि आपत्ति नहीं रखी जाती है तो मामले को स्वीकृत माना जाता है। यह भारत की कूटनीतिक जीत है जिसके लिए भारत ने पहले भी प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन इस पर चीन द्वारा रोक लगा दी गई थी। इस कदम से आतंकवादियों पर नकेल कसने की भारत की पहल अब साकार होती दिखाई दे रही है, जिससे आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। ताजमहल से लगभग 10 किलोमीटर दूर अब एयरपोर्ट अथॉरिटी नया टर्मिनल बना सकेगा। यही नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस टर्मिनल से नई फ्लाइट की इजाजत भी होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में एयरपोर्ट अथॉरिटी को टर्मिनल बनाने की इजाजत तो दे दी थी, लेकिन ये शर्त लगाई थी कि कैरियर ट्रैफिक को नहीं बढ़ाया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी को अतिरिक्त उड़ान की इजाजत दे दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जरूरी पर्यावरण शर्तों को पूरा करना होगा। और आइए नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय आज से आइकॉनिक इवेंट्स सप्ताह मना रहा है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक इवेंट्स सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और देशवासियों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद कर उन पर गौरवान्वित महसूस करने के लिए भारत सरकार ने यह पहल की है। 23 जनवरी को पोर्ट ब्लेयर में एक भव्य कार्यक्रम में इसका समापन होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में सभी देशवासियों से अपनी विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया था। भारत का एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास है जो इसके वीरों की अदम्य वीरता, शौर्य, बलिदान, तपस्या, युद्ध और विजय की गाथाओं से भरा है। भारत माता के ऐसे ही महान सपूतों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को प्रेरित किया और देशवासियों में गर्व की भावना पैदा की। आइकॉनिक इवेंट्स सप्ताह के दौरान मणिपुर, नागालैंड, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान से जुड़े स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
पुणे में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के आज दूसरे दिन भी विचार विमर्श जारी है। आज 4 सत्र आयोजित होंगे जिनमें अर्बन सर्विस डिलीवरी में समावेशिता कैसे लाई जाए इस पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा भविष्य के शहरों के लिए प्रशासन की क्षमता निर्माण की संरचना पर फ्रेमवर्क तैयार करने पर भी बात होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर 2.0 को इंफ्राट्रैकर 2.0 को लागू करने और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब के भविष्य को अंतिम रूप देने पर सहमति बन सकती है। बैठक के बाद G20 बैठक में शामिल प्रतिनिधियों को पुणे की विरासत और संस्कृति से रूबरू कराया जा रहा है। इन सभी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए महाराष्ट्र की संस्कृति की झलक देखी। इनमें शिव वंदना, मर्दानी खेल, वाद्य मुरली, गोंडल, लावणी, करपल्लवी जैसे पारंपरिक नृत्य शामिल हैं। कलाकारों ने महान मराठा साम्राज्य की मार्शल आर्ट का भी प्रदर्शन किया। और मेघना हमारे साथ जुड़ गई हैं पुणे से। मेघना, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी मेघना, जानना चाहेंगे 4 सत्र जो आज होने हैं उनमें मुख्यतः क्या है, किस तरह से भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को एक तरह से एक बड़ी दिशा, एक नया रोड मैप सामने आएगा, क्योंकि लगातार मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर देती रही है, उस दिशा में काफी काम देश में पिछले कुछ समय में हुआ है। बिल्कुल ऋतु, देखिए जिस तरीके से डेलिब्रेशंस का दौर चल रहा है लगातार, आज उम्मीद जताई जा रही है 4-5 बजे के तकरीबन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें जो 7 सेशंस इस 2 दिन की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में जो 7 सेशंस होने हैं उनमें क्या बात हुई, किन विषयों पर बातचीत हुई है, उस पर एक कंक्लूडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जिसमें और ज्यादा जानकारी मिलेगी कि क्या बातचीत हुई है, किन विषयों पर। लेकिन जो हाई एजेंडा रहा है, जो एजेंडा में मुख्यतः जो मुद्दे रहे हैं, सबसे पहला फाइनेंस रहा है। फाइनेंस इस तरीके से कि अगर कल भी हम देखें तो एक हाई लेवल वर्कशॉप हुई थी जिसमें बातचीत की गई थी कि फाइनेंस किस तरीके से प्राइवेट बैंक्स आगे आ सकते हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स आगे आ सकते हैं, फाइनेंसिंग कल के जो शहर होंगे, भविष्य के जो शहर होंगे, उनकी फाइनेंसिंग के लिए किस तरीके से आगे आ सकते हैं। आज भी अगर हम देखें तो बहुत ही मुख्यतः एक ट्वीट आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से, जहां पर लिखा गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से एक डेलिब्रेशन पहले 5वें सेशन में हुआ है, जिसमें फ्रेमवर्क ऑन आर्किटेक्चर ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, इस विषय पर चर्चा हुई है। तो कई विषयों पर चर्चा लगातार हो रही है और साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि सस्टेनेबिलिटी को भी साफ जगह मिल रही है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, तो उसके साथ आते हैं कई चैलेंजेस, और चैलेंजेस यही होता है कि इकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, उससे उन चुनौतियों से इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल जो चुनौतियां हैं उनसे भी कैसे निपटा जाए। यहां पर ना केवल बिल्डिंग्स बनाने की बात है या ना केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इमारतों के हिसाब से बात हो रही है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन हो, पब्लिक कन्वीनियंस हो, काफी ऐसे विषयों पर भी बातचीत हो रही है। और उसके साथ ही हमने कई डेलीगेट से बात की जिन्होंने ये भी हमें बताया कि जो अलग अलग देशों में जो प्रैक्टिसेस हैं उस पर उसको भी शेयर किया जा रहा है इस मंच पर। उसके साथ ही जो अलग अलग देश के जो डेलीगेट्स यहां पर आए हैं उनके शहरों में जिस किस्म की चुनौतियां हैं उस पर भी बातचीत हो रही है। तो अगर हम देखें तो यहां पर ना केवल G20 देश से डेलीगेट्स हैं, उसके साथ इन्वाइटेड कंट्रीज से डेलीगेट्स हैं, बल्कि उसके साथ ही इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस मतलब वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, और कई जगह से रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर आए हुए हैं जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंसिंग में मदद करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में मदद करते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि एक ही मंच पर जिस किस्म का मंथन और जिस किस्म की चुनौतियां पेश हो रही हैं उसका समाधान सामने लाने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी उस बातचीत में, उन डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस में शामिल हैं। तो पहली मीटिंग है ये, आगे भी तकरीबन 3 से 4 मीटिंग्स और होनी है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की, और इन मीटिंग्स, ये सारी मीटिंग्स फाइनेंस ट्रैक के अंतर्गत हो रही हैं, तो इसलिए अहम है क्योंकि ये पहला है। उसके इस बार जिन विषयों पर बातचीत होगी उन्हीं पर बिल्डअप होगा अगली मीटिंग्स में, इसीलिए पहली मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। जी
मेघना, इस इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील से अध्यक्षों के रूप में शामिल हुए हैं, इससे किस तरह से निवेश को और खास साथ ही साथ जिस तरह से शहरीकरण को लेकर वित्त पोषण की जो एक बात हो रही है, किस तरह से निजी भागीदारी को और बढ़ाया जाए, इस पे इन सत्रों में क्या क्या बातें सामने आ सकती हैं? देखिए, जो बातचीत हो रही है, जो डेलीगेट्स कुछ सेशंस के बाहर आ रहे हैं जिनसे हम बातचीत कर पा रहे हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कई बार अगर हम देखते हैं तो जो शहर हैं वो ज्यादातर गवर्नमेंट फंडिंग पे निर्भर होते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और अगर देखें तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी। ऐसे में अगर शहरों को अर्बन अर्बनाइजेशन की ओर ले जाना है, उसके साथ ही अगर हम देखें तो अर्बन रूरल डिवाइड, इसको भी किस तरीके से कम करना है, ये इम्पोर्टेंट है। कई लोग माइग्रेट करके रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, तो इसलिए अर्बन एरियाज की कैपेसिटी भी बिल्ड करनी है। तो इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की बात हो, इन्वेस्टमेंट और ज्यादा लाने की बात हो, प्राइवेट फंडिंग को और ज्यादा इंक्रीज करना हो, उसके साथ ही क्रिएटिव और जो उपाय हैं फंडिंग लाने के, इन्वेस्टमेंट लाने के, ये एक अहम चीज है जिस पर बातचीत हो रही है। इसका कंक्लूजन क्या है, किस किस्म की बातचीत अब तक पहुंची है, क्योंकि आगे भी मीटिंग्स होनी है, तो किस किस्म की बातचीत, किस लेवल तक अब तक बातचीत पहुंची है, इसके बारे में तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा कि किन विषयों पर बातचीत हुई। और उसके साथ ही हम जानते हैं ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया को चेयर है, ऑस्ट्रेलिया के डेलीगेट्स और ब्राजील के हेड ऑफ डेलीगेशन से भी हमने बात की, जिन्होंने बताया कि जो चर्चा है वो सार्थक चल रही है। सबसे अहम बात है चैलेंजेस, अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस जिस पर खास फोकस दिया जा रहा है, और सस्टेनेबिलिटी पर खास फोकस दिया जा रहा है। तो इन सभी विषयों पर साफ तौर पर हो सकता है कि कॉन्क्रीट क्या बातचीत हुई है, अगर हम देखें सब्जेक्ट वाइज या सेशन वाइज क्या बातचीत हुई है, उसका एक ब्रेकअप हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानने मिल सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेघना पूरी जानकारी के लिए। और मिडडे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉनस्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। उधर मध्य प्रदेश में आज G20 के अंतर्गत थिंक 20 समूह की 2 दिनों की बैठक का आज आखिरी दिन है, और आज भी कई महत्वपूर्ण सत्र हो रहे हैं। 2 दिन की बैठक में दुनिया भर के मंत्री और विषय विशेषज्ञ वैश्विक सुशासन और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, नैतिक मूल्यों और शुभता के संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं। थिंक 20 सम्मेलन का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। इसके अलावा बैठक में शामिल मेहमान विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूप का भ्रमण करेंगे। G20 में भारत अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक 18 से 20 जनवरी के बीच तिरुवनंतपुरम में होगी। बैठक में 3 प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य आपात स्थितियों पर नजर रखना, तैयारी और प्रतिक्रिया, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, इसके अलावा डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और समाधान शामिल है। बैठक का शीर्ष एजेंडा स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रोकथाम और एक स्वस्थ एवं एंटीबायोटिक प्रतिरोध पर ध्यान देना है। G20 समूह के अध्यक्ष के रूप में भारत का उद्देश्य स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को जारी रखना और मजबूत करना है। इस बीच बैठक में भाग लेने के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंच रहे प्रतिनिधियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है। भले ही देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या घट रही है, लेकिन कई राज्य सरकारें कोरोना वायरस को लेकर काफी सतर्कता बरत रही हैं। इस कड़ी में केरल सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश में दुकानों, थिएटर और किसी भी कार्यक्रम के आयोजकों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। केरल सरकार की ओर से कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी के मानदंडों का भी पालन किया जाना चाहिए। देश के सभी राज्यों की तुलना में केरल में कोरोना के सक्रिय मामले सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा में मामले सक्रिय हैं।
महाराष्ट्र में शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह, धनुष और तीर और नाम के विवाद के संबंध में आज निर्वाचन आयोग सुनवाई करेगा। शिंदे गुट शिवसेना पर अपना दावा कर रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनकी ही पार्टी असली शिवसेना है। इससे पहले इसी मामले में 5 जनवरी को चुनाव आयोग में सुनवाई हुई थी। गौरतलब है कि शिवसेना के टूटने के बाद से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2023 का दौरा किया। इस मौके पर एनसीसी के गार्ड ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और सीडीएस ने गार्ड का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने फ्लैग एरिया का भी अवलोकन किया। जनरल अनिल चौहान के समक्ष देशभर के एनसीसी कैडेटों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। एहसास ही तो युवा वर्ग का प्रतीक। एनसीसी के सिद्धांतों को अपना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों केन्या और तंजानिया के दौरे पर भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने केन्या के उपराष्ट्रपति रिगाथी गचागुआ से मुलाकात की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत और केन्या के ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया है। भारत और केन्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साझा दृष्टिकोण रखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने शांति और विकास के लिए आतंकवाद को खत्म करने के सामूहिक प्रयासों के लिए आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत और केन्या के सहयोग का उल्लेख करते हुए उन्होंने वैश्विक मंचों पर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। यात्रा के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने केन्या नेशनल असेंबली के अध्यक्ष मूसा मासिका वितांगुला के साथ भी बैठक की। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज से सैन सेल्वाडोर के दौरे पर हैं। इस दौरान वे एल सेल्वाडोर के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी, साथ ही विदेशी मामलों, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगी। मीनाक्षी लेखी 13 जनवरी से अपने 8 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। उन्होंने 13 से 14 जनवरी तक क्यूबा की यात्रा की। इस दौरान उनकी मुलाकात नेशनल असेंबली के अध्यक्ष व विदेश मामलों और संस्कृति मंत्रियों से हुई, जिसके बाद 15 जनवरी से वे ग्वाटेमाला के दौरे पर निकली, जहां उन्होंने ग्वाटेमाला के कार्यवाहक राष्ट्रपति विली कैस्टिलो रेस के साथ मुलाकात की। साथ ही विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और ऊर्जा और खान मंत्रियों के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और फार्मा, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद आज से वे एल सेल्वाडोर के दौरे पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में 19 जनवरी से शीतलहर से राहत मिल सकती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में दो नए विक्षोभ के कारण ऐसी संभावना बन रही है। पहला पश्चिम विक्षोभ कल रात से इस क्षेत्र में सक्रिय हो सकता है और दूसरा 20 जनवरी से आ सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि इनके असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल से 20 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ या अधिक भागों में कल तक शीतलहर की स्थिति का पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में 19 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप रह सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। हालांकि ठंड और शीतलहर के चलते यूपी के कई जिलों के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। लखनऊ जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 8वीं तक के स्कूल सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेंगे। इसके अलावा कक्षा 9वीं से 12वीं तक सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेंगे। दुनिया की सबसे लंबी दूरी का रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास कल देर शाम पटना पहुंचा। क्रूज पर सवार विदेशी सैलानी पटना के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। पर्यटकों ने पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचने पर पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव और पटना की मेयर सीता साहू सहित स्थानीय नागरिकों ने
पर्यटकों का फूल मालाओं से स्वागत किया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का एक जहाज हमेशा एमवी गंगा विलास के साथ चल रहा है, जो इसे नदी में मदद मुहैया कराता है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य एक जहाज पर यह समझने के लिए रुके थे कि यह नदियों में नेविगेट करने में कैसे मदद करता है। एमवी गंगा विलास के बारे में सबको पता है, यहाँ पे 3200 किलोमीटर का ये जो सफर है वाराणसी से लेके ऑल द वे टू डिब्रूगढ़ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ इनलैंड वाटरवेज के 2-3 जो वेसल्स हैं वो भी जा रहे हैं और उनकी बहुत ही बड़ी अहमियत है। वो किस लिए? क्योंकि ये सर्वे शिप्स हैं और ये बताते हैं कि डेप्थ कितनी है नदी के अंदर और किस हिसाब से किस तरीके से जाया जा सकता है। तो हम आज आपको बताएंगे कि क्या काम करते हैं ये सर्वे शिप और कैसे यहाँ पे लोग काम करते हैं, वो अब आपको बताने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं अंदर इस केबिन के, तो बता करते हैं कि कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो अविनाश कुशवाहा जी जो है एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर है और ये मैपिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ठीक यहाँ पे ये जो इक्विपमेंट से जरिए मैपिंग की जा रही है। और अविनाश जी पहले बताइए कि क्या अभी हम लोग कहाँ हैं और कैसे हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं? क्या अभी हम जेपी नगर के डाउन में है, हम फोर्टनाइटली सर्वे करते हैं जिसके बेस पे आने वाले वेसल हम उसी रूट से पास कराते हैं। जो हमें डेप्थ मिलती है वो हमारे 2-3 साइट्स हैं उस पे डाल दी जाते हैं, जिसके यूज से आने जाने वाले वेसल यूज करते हैं। यहाँ पे मार्कर भी लगाए जा रहे हैं, आप बताते हैं कि उसका क्या वैल्यू है, उसका क्या रीजन है? ये हमारे चैनल को डिफाइन करता है कि हमें अगर कोई ऐसी जगह है, सोल एरिया है जहाँ विड्थ हमें विड्थ और डेप्थ कम है, हम उसलिए उसको जस्टिफाई करते हैं कि आपको इसी से पास करना है। कुशवाहा जी कंटिन्यूसली इसकी मैपिंग किए जा रहे हैं और उनके साथ मास्टर यहाँ पे है और ये उस जो निर्देश है उसको फॉलो करते हुए डिफिकल्ट है इस चैनल पे स्टैंड। ये एक घोघरा कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे सिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे चैनल मार्क जो है मार्क के अंदर से ही जहाज को पास किया जाता है। अब हम आपको बात करवाते हैं आरसी पांडे जैसे जो यहाँ पे जो पूरा ये जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे हो रहा है उसके इंचार्ज है। पांडे जी सबसे पहले ये बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों का रोल, 2-2, 3-3 इनलैंड वाटरवेज की वेसल्स एक साथ जा रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं? पहला चीज की हमारे पास जो है हमारी एक टीम होती है, तो पूरी टीम में जहाज के मास्टर ड्राइवर और हमारे सर्वेयर जो है रहते हैं और जहाँ सर्वेयर के माउंटिंग करना होता है तो एज इंचार्ज मैं भी आ जाता हूँ। इस समय अभी गंगा ये कुछ चल रहा है, इसको माउंटिंग कहाँ रुकना है, कैसे क्या करना है और इसको कितने दूरी पर रखना है, जैसे भी समय हम 300-400 मीटर दूरी पर रखते हैं तो उससे हमें कैसे चलना है। और कुछ तो हमारे इंस्ट्रूमेंट होता ही है, लेकिन हमारे मास्टर ड्राइवर मतलब पायलट ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग आँख से आई से भी देख लेंगे तो पानी का पता चल जाता है यहाँ कितना पानी हो सकता है। हमारे संवाददाता ने आपको दिखाया कि गंगा विलास क्रूज जो है उसके साथ साथ जो एक जहाज नेविगेट करने के लिए चल रहा है किस तरह से काम करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की ईशा प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं। अपने अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें बहुत अच्छे सुझाव और मंत्र मिले। I have participated in Pariksha Pe Charcha 2020. After going to the program, I have learnt many things from PM Modi sir. He taught me about being motivated during exams and being productive, very productive with my time and studies. He made me learn about time and stress management, which helped me a lot during my exams, and I even follow those tips till now. और मध्य प्रदेश के धर्मपुरी की मीना रोशनी परीक्षा पे चर्चा में शामिल हो चुकी हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम से उन्हें परीक्षा और पढ़ाई में बहुत सहायता मिली। In 2020, I was selected for Pariksha Pe Charcha program. I was so excited to meet Prime Minister sir in Delhi. So throughout India, all the students have participated in Pariksha Pe Charcha program. Prime Minister, he spoke very supportive to the students and he said a lot about the examinations
and he said to face all your failures strongly and with confidence. And he motivated a lot for students also for teachers. He also a great mentor for all the students, very inspirational person for everyone. तो वहीं पश्चिम बंगाल में उत्तरी 24 परगना जिले में बैरकपुर के सेंट्रल मॉडल स्कूल के छात्र शेन रॉय परीक्षा पे चर्चा के पिछले अंक में शामिल हो चुके हैं। उनका कहना है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने से उन्हें बहुत मदद मिली और वो तनाव मुक्त होकर बेहतर परीक्षा दे सके। आई पार्टिसिपेटेड इन परीक्षा पे चर्चा 2020 व्हिच हेल्प मी इन इंटरेक्टिंग विद द PM sir, and while interacting with the PM sir, I got many suggestions from him, which helped me to get motivated. We should not take much stress about the exams, and we also get more motivated by studying, and we should study properly each and every day, which would help us in completing the syllabus properly and before time, so that we can get a lot of time for revising, and we should not stress for failing in the exams. कर्नाटक के दावणगेरे की छात्रा श्रेया परीक्षा पे चर्चा को लाभकारी मानती है। उनका कहना है कि उन्हें इस कार्यक्रम द्वारा अपनी परीक्षा के तनाव से मुक्त होने और अच्छा प्रदर्शन करने में बहुत मदद मिली। This is the program with intention of no fear for the students for the examination, and the development of the character of the student was also the intention of this program. This was an amazing journey which was a mixture of the inspiration, motivation and fun. It has been a really amazing experiment. Way. The students of the all states were gathered, nearly 42 students from the states were gathered. When we saw our Narendra Modi sir was itself was inspiration for us, and he too answered for some question asked by us, and it was such a really to great extent that some questions were like whether to manage, how to manage the board exams and NEET exams, and even some parents asked the questions like all-round development of a student is important, so whether to manage the co-curricular activities or the studies. And some questions were like reading in night is better or reading in morning is better, and it gave us such a good suggestions to us. और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। अप्रैल से दिसंबर 2022 में माल और सेवाओं को मिलाकर भारत के समग्र निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.11% की सकारात्मक वृद्धि का अनुमान है। इस अवधि के दौरान देश का कुल निर्यात 5,68,57,00,000 अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 4,89,69,00,000 अमरीकी डॉलर था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि वैश्विक मंदी के बीच भारत की घरेलू मांग स्थिर बनी हुई है और अप्रैल से दिसंबर 2022 में कुल आयात में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 25.55% की वृद्धि का अनुमान है। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों के साथ जुड़ गए हमारे साथी गौरव जी। गौरव, क्या खबर है आज खेल के मैदान से? शुक्रिया रितु। और खेल के मैदान से अगर खबरों की बात करें तो शुरुआत करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली वनडे सीरीज के साथ। भारतीय क्रिकेट टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में श्रीलंका का सफाया करने के बाद अब न्यूजीलैंड की मेजबानी करने को तैयार है। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद इतने ही मैचों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। इस सीरीज में ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 के लिए भी जंग होगी। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला कल यानी बुधवार को हैदराबाद में खेला जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीतकर भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं और अब टीम इसी बुलंदी पर अपनी अगली सीरीज जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ है उतरने के लिए तैयार है। केएल राहुल और अक्षर पटेल की गैर मौजूदगी में कुछ बदलाव वनडे सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। वैसे पिछली सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा हो या विराट कोहली या फिर टीम का मध्यक्रम, सभी ने अपने बल्ले से बहुत प्रभावित किया। वहीं गेंदबाजी में उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की बात करें तो बल्लेबाजी में फिल एलन, डेवन कॉनवे और टॉम लैथम टीम की ताकत हैं। माइकल ब्रेसवेल इस समय शानदार लय में हैं और गेंद और बल्ले से लगातार कमाल कर रहे हैं।
आंकड़ों की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 113 वनडे मुकाबले हुए हैं, जिसमें से भारत ने 55 जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा है और 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है। लेकिन पिछले 10 एक दिवसीय मुकाबलों की बात करें तो यहां टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जहां टीम को सिर्फ एक जीत मिली है, वहीं 6 मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं, 3 मैच का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। कुल मिलाकर विश्व कप से पहले भारतीय टीम की तैयारी को देखते हुए एक और बेहतरीन सीरीज सामने है, जहां दोनों ही टीमों के लिए अपने खिलाड़ियों को परखने का शानदार मौका है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई दोनों टीमों के लिए एक शानदार मौका होगा अपने आप को परखने का। बहरहाल क्रिकेट से बात हट करके अब बात कर लेते हैं हॉकी वर्ल्ड कप की। FIH हॉकी विश्व कप में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पूल बी में आज दिन के पहले मैच में जापान और कोरिया की टीम आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने अब तक एक एक मैच खेले हैं, जिसमें दोनों को ही हार का मुंह देखना पड़ा है। आज के मैच में दोनों टीमें टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल करना चाहेंगी। वहीं दूसरे मुकाबले में जर्मनी का सामना बेल्जियम से होगा। दोनों टीमें आज दूसरी जीत की तलाश में मैदान में उतरेंगी। ये दोनों ही मैच भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। हॉकी के बाद अब बात करते हैं बैडमिंटन की। नई दिल्ली में खेली जा रही बैडमिंटन की इंडिया ओपन प्रतियोगिता में आज पूर्व विश्व चैंपियन भारत की पीवी सिंधु अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। सिंधु का पहले दौर में सामना थाईलैंड की सुपानिदा केथोंग से होगा। सिंधु एड़ी की चोट के चलते अगस्त में कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद से नहीं खेली थी। सिंधु ने भी चोट से उबरने के बाद लंबे समय में मलेशिया ओपन में वापसी की थी, लेकिन स्पेन की कैरोलिना मारिन ने उन्हें पहले दौर में हरा दिया था। वहीं साइना नेहवाल भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। साइना का पहले दौर में सामना डेनमार्क की मिया ब्लिशफेल्ड से होगा। वहीं पुरुष वर्ग में आज लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय एक दूसरे के खिलाफ उतरेंगे। लक्ष्य सेन को पिछले हफ्ते मलेशिया ओपन के पहले दौर में प्रणॉय ने हराया था। बैडमिंटन के बाद अब बात कर लेते हैं टेनिस की। रूस के टेनिस खिलाड़ी एंड्रे रुब्लेव ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के अगले दौर में जगह बना ली है। पहले दौर के मुकाबले में 25 साल के रुब्लेव ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को 6-3, 6-4, 6-2 से हराया। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन के ही एक अन्य पुरुष एकल मुकाबले में सर्बिया के 27 साल के टेनिस खिलाड़ी लेस्लो डेरे ने जिजू बेर्ग को हराकर पहले दौर की बाधा पार की। लेस्लो ने अपने पहले दौर के मुकाबले में जिजू को 6-4, 1-6, 6-4, 6-1 के अंतर से हराया। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियन ओपन में ही महिला एकल मुकाबले में रूस की 24 साल की खिलाड़ी आर्यन सबालेंका अगले दौर में पहुंच गई। पहले दौर में उन्होंने टेरेजा मार्टिनकोव को 6-1, 6-4 से हराया। महिला एकल में ही एक अन्य मुकाबले में स्पेन की गर्बाइन मुगुरुजा को हार का मुंह देखना पड़ा। मुगुरुजा को एलिस मर्टिन्स ने 3-6, 7-6, 6-1 के अंतर से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। वहीं चौथी वरीयता प्राप्त फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया ने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल स्पर्धा के अगले दौर में प्रवेश किया। पहले दौर के में उन्होंने गार्सिया ने कैथरीन सिबिल्व को 6-3, 6-0 से शिकस्त दी। वाकई ऑस्ट्रेलियन ओपन का जिस तरह से रोमांच जो है वो शुरुआत हो चुकी है और जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उनके बीच की जो जंग है वो इस साल के पहले ग्रैंड स्लैम को और भी ज़्यादा रोमांचक बनाएंगी। तो ये थी रितु खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, लेकिन वापस एक बार फिर से आपके पास। धन्यवाद गौरव इन तमाम खबरों के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। चीन में पिछले साल कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों, रियल एस्टेट मंदी के कारण आर्थिक विकास दर 3% तक गिर गई है। सरकार ने मंगलवार को इससे जुड़े आंकड़े जारी किए। हालांकि पाबंदियां हटाने के बाद से धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वृद्धि एक साल में 2.9% तक गिर गई। हालांकि सरकार ने 5.5% का लक्ष्य रखा था। ताजा आंकड़े वर्ष 1976 में माओ ज़ेडुंग की मौत के बाद जब विकास दर 1.6% रही थी और 2020 में जब वुहान में कोरोना विस्फोट हुआ था उसे छोड़कर सबसे खराब रहे हैं। पहले से ही मांग की कमी से जूझ रही चीन की अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष ग्लोबल सप्लाई चेन में आई दिक्कतों के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई। वहीं दूसरी ओर
जीरो कोविड पॉलिसी के तहत सख्त लॉकडाउन, क्वारंटीन और अनिवार्य मास्क कोविड टेस्टिंग से उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री वाले शहर जिंगजाऊ में भी कामकाज ठप पड़ गया। देश भर में हुए प्रदर्शनों के बाद बीते दिसंबर में सरकार को जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देने का फैसला लेना पड़ा। विश्व बैंक ने वर्ष 2023 में चीन के लिए 4.3% की विकास दर का अनुमान जताया है, वह भी अपेक्षाकृत बहुत कम है। चीन ने देश में बढ़ती बुजुर्गों की आबादी और गिरती जन्म दर के बीच 60 साल में पहली बार समग्र जनसंख्या में गिरावट आने की घोषणा की है। चीन में अब नकारात्मक जनसंख्या ग्रोथ शुरू हो गई है। बता दें कि चीन में मरने वालों का आंकड़ा पैदा होने वाले बच्चों से ज्यादा है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 के अंत में देश की जनसंख्या 1.4175 अरब थी, जो कि साल 2021 के 1.4120 अरब के मुकाबले कम है। चीन में कई दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू रही और माना जा रहा है कि उन जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के चलते ही देश की जनसंख्या में गिरावट आ रही है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार देश में पिछले वर्ष की तुलना में 2022 के अंत में आबादी 8,50,000 कम रही। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने मंगलवार को बताया कि 1.041 करोड़ लोगों की मौत के मुकाबले 95.6 लाख लोगों के जन्म के साथ देश की आबादी 1.4115 अरब रह गई। हालांकि गिरती जनसंख्या से चीन की सरकार चिंतित है और वह देश की आबादी को फिर से बढ़ाने के लिए कई उपाय कर रही है, लेकिन किसी का भी सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आ रहा है। चीन ने 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी को लॉन्च किया था। इस योजना के कारण चीन की आबादी में भारी कमी देखने को मिली। वहीं 2021 में चीन ने अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी थी, लेकिन परिणाम नकारात्मक ही रहे। आने वाले वर्षों में चीन की आबादी और कम होने की संभावना है। नेपाल विमान हादसे में सोमवार को बचाव दल ने 2 और शव बरामद किए हैं, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है। हालांकि 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए आज फिर से बचाव अभियान शुरू किया जाएगा। स्थानीय मीडिया के अनुसार 24 मृतकों का पोस्टमार्टम पोखरा में किया जाएगा और बाकी लोगों को पोस्टमार्टम के लिए काठमांडू ले जाया जाएगा। येती एयरलाइंस के इस विमान का ब्लैक बॉक्स भी नेपाली सेना द्वारा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अधिकारी को सौंपा जा चुका है। श्रीलंका में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राजधानी कोलंबो में कई छात्र मिलकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को प्रदर्शनकारी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और सरकार विरोधी नारे लगाए। पुलिस ने विरोध कर रहे सैकड़ों छात्रों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इन प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी की गई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष वसंत मुदालिगे की रिहाई की मांग की है, जिन्होंने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वे 150 दिनों से अधिक समय से नजरबंद हैं। प्रदर्शनकारियों की यह मांग है कि राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे देश के आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के उपाय करें। कैलिफोर्निया के गोशेन में अंधाधुंध गोलीबारी की घटना हुई है। एक घर में हुई गोलीबारी में एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही है। इसका एक वीडियो तुलारे काउंटी शेरिफ कार्यालय के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया। इस घटना के पीछे एक ड्रग गिरोह का हाथ माना जा रहा है। यूक्रेनी शहर निप्रो में रिहायशी इमारत पर हुए रूसी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। वहीं दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। हमले के 3रे दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि निप्रो हमले से पता चलता है कि यूक्रेन को तेजी से हथियारों की आपूर्ति की जरूरत है। जेलेंस्की ने इस हमले को युद्ध अपराध बताया है। साथ ही ये भी कहा कि इस हमले के दोषियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यूक्रेन इन युद्ध अपराधों के दोषियों को सजा दिलाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मदद लेगा। और मिड डे प्राइम में इन सभी खबरों के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।